गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। टुडे आई विल बी एक्सप्लोरिंग द एंशिएंट रिमेन्स ऑफ उदयगिरी एंड खंडगिरी केव्स। दीज केव्स डिस्प्ले अ परफेक्ट पिक्चर्स ऑफ इंडियाज रिच पास्ट। सो गाइस वॉच द वीडियो टिल द एंड, इट्स गोना बी अमेजिंग। उदयगिरी एंड खंडगिरी केव्स, फॉर्मली कॉल्ड द कटका केव्स और द कटक केव्स, आर पार्शियली नेचुरल एंड पार्शियली आर्टिफिशियल केव्स ऑफ आर्कियोलॉजिकल, हिस्टोरिकल एंड रिलीजियस इंपॉर्टेंस। इट इज वन ऑफ द मोस्ट विजिटेड टूरिस्ट अट्रैक्शन प्लेस इन ईस्टर्न इंडिया। These hills houses a number of caves, out of which most have been carved out by Jain monks from the times of King Kharravela. Most of the caves here are not natural ones but are rock cuts and believed to have been dwelling cells and meditation quarters for Jain monks of that time. इस प्लेस की वाइब्स बहुत ही अलग है और व्यूज क्या ही कहना यार, इट्स नेक्स्ट लेवल। सो गाइस सिट टाइट फॉर अ व्हाइल, आई विल टेक यू टू इंडियाज रिच पास्ट। पूरे हिल्स पे डिफरेंट डिफरेंट शेप्स और साइजेस के केव्स हैं, जो एक रूम के फॉर्म में कटा हुआ है और रूम के बाहर एक नेम प्लेट लगा है जो ये बताता है कि ये केव, ये रूम किससे बिलोंग करता है। इट्स काम एंड कूल इनसाइड हियर। तो गाइस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि और क्या क्या है इस जगह पे। गाइज आई बिलीव नॉट ओनली दीज केव्स आर टेस्टिमोनी टू आर्किटेक्चरल जीनियस ऑफ एंशियंट इंडिया बट ऑल्सो बियर अ मैसेज ऑफ लव, कंपैशन, हार्डवर्क एंड अ रिलीजियस टॉलरेंस। दिस केव इज अ टू स्टोरीड केव नेम्ड एज रानी गुफा। यहाँ पर उस टाइम की रानी रहती थी तो इसे रानी गुफा कहा जाता है। ये सबसे बड़ा केव है जो टू स्टोरी में है। आइए सामने से देखते हैं कि क्या क्या है अंदर में, और दीवार पर लग रहा है कि कुछ आर्ट्स बने हैं, तो सामने जा कर के देखते हैं कि क्या है वो। गाइज इट इज बिलीव दैट दीज आर्ट्स ऑन द वॉल शोज द लव ऑफ द किंग फॉर हिज सेकेंड वाइफ। It's a beautiful place full of hidden secrets. Guys, check this out. Guys, you must be enjoying this video, so don't forget to subscribe to my channel and also hit the like button. Guys, आप जैसा कि देख सकते हैं ये एक elephant temple है। Jain monks used to worship the elephant god at that time. ये एक टेम्पल है, यहाँ जाना रिस्ट्रिक्टेड है। गाइज दिस प्लेस इज परफेक्ट एविडेंस ऑफ आर्किटेक्चरल जीनियस ऑफ इंडिया। यस गाइज आई कैन फील इट, आई कैन सी इट। गाइज इट्स अमेजिंग। As this is a calm place, people come here to sit for a while, meditate and remember the Almighty God and His creations. Guys,
just have a closer look at these rock cut caves and comment below your views about this place and the architectural genius of India's rich past. People also come here to feed the monkeys. It is believed that if we feed the monkeys here, जो हमारा बिगड़ा काम है वो बन जाएगा. तो यहाँ पर लोग मंकी को फीड कराने के लिए भी आते हैं. आप देखिए गाइज, ये कितना ही शानदार नज़ारा है. आई एम लविंग इट. Feeding the animals anywhere is really a good thing, but feeding monkeys here is totally different. I guess you all must be enjoying this video, so let's move ahead in the video and explore more. Udaygiri Hills has a total number of 18 caves and the view from top of Udaygiri Hill is completely amazing. It's awesome. From here you can see the whole Bhubaneswar city. It's amazing. So guys, now I am going down and heading towards Khandgiri Caves. Guys, each cave here has some story behind and some interesting past. जैन टेंपल है. तो आइए गाइस, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं. गाइस, सामने आप देख सकते हैं जैन टेंपल. कोविड की वजह से अभी अंदर जाना अलाउड नहीं है. गाइस, यहां पर से भी व्यू काफी अमेजिंग है. आई होप यू ऑल एंजॉयड माय वीडियो. सो हिट द लाइक बटन एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल.